नमस्कार, मैं आस्था नवल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे 2021 की ये पहली गोष्ठी है और हमारे जो चार कवि हैं वो न्यू जर्सी से रजनी भार्गव जी, अनूप भार्गव जी, मैरीलैंड से वंदना और वर्जीनिया से हमारे अपने धनंजय कुमार जी। अपने इसलिए क्योंकि मैं खुद वर्जीनिया में बैठी हूँ, बाकी वैसे सभी मुझे ऐसा लगता है मेरे बहुत अपने हैं। और हमारे साथ सुनने वालों में भी हमारे क्षेत्र के और कैलिफोर्निया से भी जुड़ रहे हैं बहुत सारे कवि, जिनमें से मुझे जैसे जैसे जो स्क्रीन पे दिख रहा है मैं उनके नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। गुलशन मधुर जी, रेखा माइत्रा जी, प्रीति गोविंदराज जी, राकेश खंडेलवाल जी, नरेंद्र टंडन जी, रंजना टंडन जी, सुकेश चोपड़ा जी, शशि पाधा जी, ये सभी हमारे साथ हैं। विजय नांगिया जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले बिना किसी विलंब के कविताएं हम आरंभ करते हैं। क्यों हमने चार कवियों का ये सिलसिला शुरू किया है? क्योंकि जब हम एक कवि को सिर्फ 2 या 3 मिनट तक सुनते हैं और फिर आग्रह करते हैं कि आपका समय खत्म हो गया, तो कई बार ऐसा लगता है कुछ आस सी मन में रह जाती है। तो हमें लगा कि हम सिर्फ चार कवियों को ही सुने, और बहुत कवि हैं और हमारे पास कोविड ने कुछ ज़्यादा समय भी दे दिया है, तो हम हर महीने कोई और चार कवियों को सुनते हैं 10 से 12 मिनट तक उनको लगातार। तो हमारे बीच में न्यू जर्सी से रजनी भार्गव जी जो हैं, मैं उनसे शुरुआत करना चाहूँगी। रजनी भार्गव जी को मैंने जाना 2009 में, जब मैं एक स्टार टॉक की वर्कशॉप करने गई न्यूयॉर्क, तो उनके माफ़ कीजिएगा मैं कभी कभी भटक रही हूँ, क्योंकि अभी भी हमें कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं उन्हें एडमिट कर रही हूँ बीच बीच में। जो भी लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है। रजनी भार्गव जी का व्यक्तित्व, इतनी सौम्यता, इतना ठहराव किसी में जैसे घोट घोट के डाल दिया गया हो। उनके पति भी यहाँ पे हैं, वो बड़ी टेढ़ी सी मुस्कान कर रहे हैं पर पत्नियां सबकी एक जैसी होती हैं, वो जो भी हो, पर रजनी भार्गव जी मेरे लिए जो हैं और जैसा मेरा इम्प्रेशन है वो मैं आप सभी को बता रही हूँ। वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, दिल्ली में ही पढ़ी बड़ी हुई हैं, और बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, बहुत अच्छी टीचर हैं और मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, पर फिर भी इतनी सखी की तरह बात करती हैं कि ऐसा लगता है उनके साथ कोई भी अपना दिल खोल कर रख सकता है। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित आज की हमारी पहली कवयित्री रजनी भार्गव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद आस्था, और इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, और इसके अलावा मैं खुद खुद कुछ और नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि तुमने खुद ही इतनी मेरी बढ़ चढ़ के तारीफ कर दी है। तो अब मैं कविताएं सुनाती हूँ, और जब मेरा समय हो जाए और तुम्हें लगे कि बस हो गया है, सुन लिया है बहुत, तो मुझे बता देना। नहीं, ऐसा लगेगा नहीं, बाकी तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अगर हैं आप जिनको दो मैं राउंड सबसे पहले प्रणाम करना चाहूंगी, राकेश खंडेलवाल, रेखा जी, और मैं यहाँ पर धनंजय जी हैं, और धनंजय जी से बहुत दिनों के बाद मुलाकात होगी और उनकी कविताएं सुनने को मिलेंगी। वंदना को मैंने नहीं सुना है पर आज उनसे ज़रूर सुनना चाहूँगी। तो बिना किसी भूमिका के मैं अपनी कविताएं शुरू करती हूँ। तो इस कविता का शीर्षक है छोटे दिन, और ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाती हूँ, तो वहीं पर सामने एक पार्क है और उसी से कुछ जो बिंब हैं जो वहाँ पर मेरे दिमाग में आए, तो मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। छोटे दिन। मौसम के आने जाने के बीच में
हरी पत्तियां जब पीली हो जाती हैं, पतझड़ छोटे दिन ओढ़ लेता है, जेब में गुम बहुत सी चीजें घर के अंदर मिलने लगती हैं। बार के बाहर खाली कॉफी के कप, कुर्सी पर नीली जींस सी धूप, टोपी पर गुड़हल के फूल, कोने की मेज पर खिलखिलाती हंसी, रुमानी एहसास को भेदती दो अंबियों सी आंखें, बसों के साथ चलते पेड़ों के साए, पार्क में रंगीन हरी बेंत के सिंहासन, राजा रानी की शतरंज की बिसात, फव्वारे से उड़ते ठंडे पानी के परिंदे, संगीत की धुन पर थिरकते पांव, कैमरे के लेंस में गिटार और सूफी धुन, लम्हों के शीश महल में बेतकल्लुफ मौसम, मेज पर बिछे मेजपोश पर करीने से रखे हैं, सर्दी के दिन छोटे होते हैं। तो क्या बात है, सर्दी के दिन छोटे होते हैं पर उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती बहुत हैं। सुंदर, तो उसके बाद एक ये कविता है, इसका शीर्षक है सांझ के रंग। पत्ती पर बीर बहूटी पकड़ कर बैठी थी एक बूंद, रजनी जी गीली एक मिनट, नम पारदर्शी जिसमें उसको खुद के रंग दिखते थे, लाल जैसे मोजों पर चढ़ती उतरती धूप, काला जैसे बदन पर उभरता हुआ तिल, मिलजुल कर सांझ का वह रंग, गहरा सिंदूरी तलहटी के चश्मे में जब घुला था, तब गाढ़े अंधेरे में पीर बहूटी को मिला था चांद का टुकड़ा, खाली कलसी सा जिसके टूटे पैंदे से नजर आता था दुनिया का वह छोर जहां सांझ के और रंग नजर आते थे। ये एक अभी मैंने लिखी थी, फिर उसके बाद मैं आपको सबसे अपनी पुरानी वाली, राकेश जी हैं यहाँ पर और बहुत बार वो आग्रह करते हैं कि तुम अपनी गलियों वाली कविता जो है वो सुना दो। तो आज मैंने वो निकाली थी, उनका ध्यान आया, पर उसको सुनाने से पहले गलियां उस कोने से उस कोने तक, इस मकान से उस चौराहे तक, हर रोज बांग लगाती है जिंदगी, गली में कस्बे सी समाती है जिंदगी, धूप के साथ सरकती चारपाइयां, खोमचे वालों की घूमती रेड़ियां, भुनती शकरगंदी चने और मक्के, मोहल्ले के अधपके किस्से और सिलाइयों में बुनती कहानियां, धूप हर घर में झांक जाती है, दस्तक देकर सबको बाहर बुला लेती है, सांझ तारों को बुला लाती है, रात भोर का हाथ थामे गले में गली में यूं ही फेरी लगाती है, इस ठिए से उस ठिए तक यूं तो बहुत चली है जिंदगी, फिर भी लगता है दो पल में ही गुजर गई जिंदगी। अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये थी मेरी। इसके बाद मैं आपको, आस्था मुझे प्लीज बता देना, मैं इतनी सारी सुनाने की आदि नहीं हूँ। नहीं समय समय ही समय है और सबको अच्छा लग रहा है आपको सुनना। चलो मैं सुनाती हूँ। और एक ये अभी मैंने लिखी है और इसका शीर्षक है हिंदी। हिंदी मेरे लिए एक अनुभूति की तरह है, मतलब भाषा है और बहुत से लोग इसे देश से जोड़ते हैं और अपने गुरु और अपने मान से जोड़ते हैं। मेरे लिए ये एक बस अनुभूतियां हैं जिनको मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। तो स्कूल में रिक्त स्थानों की पूर्ति सी रही, कहानियों में ईदगाह के चिमटे सी रही, मन में घर और माँ के सुकून की तरह, हिंदी कलीसे में दुआ की तरह से रही, अरे वाह, बटुए में चवन्नी और अठन्नी सी रही,
अम्मा की सौदागिरी में आने सी रही, डांट फटकार कर रूसने और मनाने में हिंदी शब्दों के आड़े हर रूप में रही। किसी अजनबी से अनकही बात सी रही, उसकी आदतें अपनाती अपनी सी रही, मिली जुली अपने ही लहजे में हिंदी एक खूबसूरत मुलाकात सी रही। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, खूबसूरत सी मुलाकात सी। अब और आगे किसी और को नहीं, आप सुनाइए, रजनी आप सुनाइए। पर हो आस्था, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, ओके। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है। यहाँ पर मैं एक सुना रही हूँ आपको, अभी कुछ फिलहाल लिखी हैं। तो एक है, इसको अभी कोई शीर्षक नहीं दिया है, पर सो गिरज अनूप, सॉरी, सो गिरजे घर पर रुकी और ठहरी हुई लाल मेपल पत्ती, नीचे गिरी तो दरवाजे के आगे रुक गई। सोच रही थी अंदर गई तो मांगूंगी इस बेढप दुनिया के लिए अतपकी रोटी, सिकने के लिए गुनगुनी धूप और मन में रखने के लिए सौंधी सी रोटी की खुशबू, और अपने लिए सीली हवा और आसमान से बरसती कुछ बूंदें, कुल मिलाकर जमा खर्च कर हर दिन को बनाने के लिए हम सब के लिए ये काफी होगा। तो कोविड में जिस तरह से एक चीज समझ में आई है कि हमें ज्यादा कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत, तो ये उसके बारे में थी। रजनी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? नाना जी की मुझे नहीं लगता कि वो आपको सुन पा रही है, क्योंकि पहले भी आपने दो एक बार कही, कुछ बात वो सुननी नहीं ना। अच्छा, सुनने तो कोई बात नहीं, सुनाओ। जी जी रजनी जी, ठीक है। नाना जी की टोपी। मैं नाना जी की टोपी चांद की किरण से सीती थी, अंदर से टोपी उधड़ गई थी, उम्र में बड़ी हो गई थी, थकी हारी कुछ बेजान सी लगती थी। जब तागे निकल जाते थे तो झूमर से लहराते थे, बड़े छोटे बेतरतीब से माथे पर नजर आते थे। टोपी अब भी पुख्ता थी, ऐसे लगता था जैसे कोई मनौती हो, दुआ सी असर करती थी, नाना जी को ठंड से बचाए रखती थी। चांद की किरण तिलस्मी होती है, अंबर की परी नाना जी की सहेली होती थी। टोपी जब ठीक हो जाती थी, ढेरों आशीषों की बरसात होती थी, नाना जी के पास चांद की किरण होती थी, मेरे पास आशीषों की बरसात। वाह, तो क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे आस्था, तुम जिसे भी बुलाना चाहो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था, तुम्हार आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तुम्हारी जितनी भी तारीफ कर रही हो सब बेकार जा रही है। हाँ, वही मैंने समझा, बहुत सुंदर। अब आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही? नहीं आ रही है। अरे मेरी आवाज, मैं तो बिल्कुल अनम्यूट हूँ, आना तो चाहिए, और आवाज भी बुलंदी वाली आवाज है। रेखा, ऐसा आवाज नहीं आ रही। रेखा जी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं? अब आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सबको? सुनाई दे रही है भाई। अच्छा, और मुझे खाली ये कहना था कि रजनी ने बहुत अच्छा पढ़ा, और वो उसकी मोहल्ले वाली कविता और एक और मोहल्ले वाली के बाद की कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, दोनों कविताएं बहुत बहुत कमाल की। थैंक
थैंक यू, इट हैज बीन बहुत बहुत यस श्योर सभी बहुत अच्छी थी थैंक यू. तो रजनी जी मैं आपसे लगातार बात करने की कोशिश कर रही थी पर आपको मेरी शायद आवाज सुनाई नहीं दे रही थी. नहीं वो क्योंकि मैंने शायद आस्था अपने आप को यहाँ म्यूट कर रखा था वो माइक्रोफोन तो इसीलिए आस्था वैसे क्योंकि हम दोनों अनूप और मैं जी तो इसीलिए आवाज गूंज रही है जी तो मैंने अपने आप को म्यूट कर रखा था. तो नहीं बहुत अच्छी लगी आपकी कविताएं. मैं सुझाव देना चाह रही थी जब आपने शुरू किया कि अगर कवियों को दो राउंड्स में पढ़ना है या एक ही बार में पढ़ना है तो आपकी मर्जी है पर अब आपने पढ़ ली तो हमें बहुत अच्छी लगी आपकी कविताएं. और अब मैं बुलाना चाहूंगी, मुझे लग रहा था कि धनंजय जी का वीडियो अब तक ठीक हो जाएगा पर हुआ नहीं है अभी भी. हम अच्छा नहीं हो गया है, हमें धनंजय जी दिख रहे हैं. धनंजय जी हमारे सामने प्रकट हो चुके हैं बहुत इंतजार के बाद, हम उनका प्रदर्शन चेहरा देख रहे हैं. तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे भाई वो देखेंगे तो सही पहले है. तो ऐसा करते हैं क्योंकि सब धनंजय जी को इतना देखना चाह रहे हैं तो हम धनंजय जी को ही अब बुला लेते हैं और उनको जब मैं स्पॉटलाइट पे रखूंगी तो शायद सब देख ही पाएंगे. धनंजय जी के बारे में वैसे जितने श्रोता हैं वो ज़्यादातर जानते ही हैं उनको क्योंकि वो यहाँ के काफ़ी लोकप्रिय कवि हैं, योगाचार्य हैं, संपादक हैं. उनकी कविताओं की अंग्रेजी और हिंदी दोनों में वो लिखते हैं और कई किताबें आ चुकी हैं. उन्होंने बाल नाटक पे बहुत काम किया है, साथ में हिंदी की सेवा तो वो कर ही रहे हैं. वो योगाचार्य हैं और वो छोटे बच्चों की डेवलपमेंट के लिए और उनको कैसे उनका जो मानसिक विस्तार किया जाए उस पे बहुत काम कर रहे हैं. इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो बताते हैं हाउ टू रेज इंटेलिजेंट किड्स. और मेरे ख्याल से जितना बोला जाए उतना कम है तो अब हम धनंजय जी को बुला ही लेते हैं. उससे पहले हमारे बीच में जो श्रोताओं में अभी जुड़े हैं वो मधु महेश्वरी जी जुड़ी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है. और मंजू श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, उनका भी बहुत स्वागत है. तो मैं धनंजय जी आपको बुलाती हूँ, आप मंच पर आए और हमें अपनी कविताओं में डुबो लें. और मैं आपको स्पॉटलाइट में कर रही हूँ ताकि सब आपको देख सकें. आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है. अच्छा आवाज भी आ रही है, दर्शन भी हो रहे हैं अब. हमें तो दर्शन ना हुआ, आवाज ही आई है. वैसे आस्था अगर इनको स्पॉटलाइट पे किया हुआ है तो दूसरे अपने कमेंट्स दे सकते हैं, मतलब वो गड़बड़ नहीं करेगा जी बीच में ना जी. तो पहले कमेंट सुन लेते हैं फिर कविता सुनाएंगे. अरे कविता सुने तब ना कमेंट आएंगे. अच्छा तो हम अपने स्वयं को ही नहीं दे. छणिका धनंजी नमस्कार. नमस्कार सबको. आप लोगों से पिछले युग में मिले थे. पिछले युग में अब आज के समय में भी आपकी तस्वीरों से बात करेंगे. जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं. जीती जागती तस्वीरें हैं, चलती फिरती तो हैं लेकिन मैं छू नहीं पा रहा, मैं आंखों में नहीं देख पा रहा हूँ. अच्छा चलिए तो छणिका शायरी. छणिका कविता छंद शायरी की खिचड़ी प्रस्तुत करता हूँ. श्रेष्ठ काव्यरत के समक्ष मैं हर पल नतमस्तक रहता हूँ. क्या बात है, वाह बहुत अच्छे. आज आज बहुत शुभ दिन था, आप लोगों के दर्शन हुए. इसके पहले आज दो रचनाएं हो पाई हैं. वाह वाह वाह. एक तो बहुत दिनों के बाद एक गीत उतरी है और अगर मौका मिला तो उसको भी सुनाऊंगा. और लेकिन एक मित्र का फोन आया,
निर्धारित समय पर उनको मैं फोन नहीं कर पाया, तो शिकायत कर रहे थे कि क्या हो गया, भूल गए, लगता है बुढ़ापा आ रहा है। तो उनसे बातचीत के बाद मैं सोचने लगा कि क्या वाकई बुढ़ापा आ रहा है, वाकई मैं और कुछ भी भूल रहा हूँ। तो मुझे बहुत सी चीजें याद आई जो मैं भूल रहा हूँ। तो उस पे एक कुछ पंक्तियां हैं, वो कुछ देना भूल गए, वो कुछ देना भूल गए, हम याद दिलाना भूल गए। वाह, इश्क निशाने पर आया था, इश्क निशाने पर आया था, तीर चलाना भूल गए। क्या बात है, क्या बात है। एक बात मुकम्मल समझाने में क्या कुछ कहना भूल गए। क्या बात है। दिल तो दिल से दूर हुए हैं, हाथ छुड़ाना भूल गए। वाह वाह। और आखिरी पंक्तियां हैं, जान बचाने की कोशिश में खुलकर जीना भूल गए। तो अब शुरू करते हैं, मिली जुली खिचड़ी दो एक छणिकाएं हैं। पत्थर ने शायद नदी की दिशा बदली हो, पत्थर ने शायद नदी की दिशा बदली हो, मगर खुद भी तो घायल चूर चूर हुआ है। वाह 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 वाह। पत्थर ने शायद नदी की दिशा बदली हो, मगर खुद भी तो घायल चूर चूर हुआ है। क्या बात है। मैंने भी तुम्हें बदलने का प्रयास किया था। आहा हा, क्या बात है। बहुत तपस्या ज्ञान ध्यान के बाद, बहुत तपस्या ज्ञान ध्यान के बाद आज मिलने जा रहा हूं अपनी आत्मा से। बहुत अच्छे। बहुत तपस्या ज्ञान ध्यान के बाद आज मिलने जा रहा हूं अपनी आत्मा से, लेकिन प्रश्न यह है कि उसे पहचानेगा कौन। आहा, क्या बात है। बहुत अच्छे। क्या बात है। बहुत अच्छे। उसका एक बार चले जाना बार बार महसूस करता हूँ। जैसे शाम को सूरज डूबा और अगली सुबह उगा ही नहीं। एक शेर है, मेरा वजूद मेरे बोझ से हल्का कर दो, मेरा वजूद मेरे बोझ से हल्का कर दो, और मेरी सोच का जज्बात से तन्हा कर, मेरी सोच को जज्बात से तन्हा कर दो। तुम्हारी याद में सदियों से भूल बैठा हूँ, मैं खो गया हूँ, किसी राह पर चलता भी नहीं, कोई उम्मीद कोई गम कोई ख्वाहिश नहीं, कोई रिश्ता कोई दावा न कोई मंजिल है, मेरा होना मेरे जीने से जुदा लगता है, न मेरी रूह पर सांसों का कोई पहरा है, तेरे बयान मैं करता हूँ नाम न नाम लेता हूँ, तेरा बयान मैं करता हूँ न नाम लेता हूँ, अब तो मिलकर ए मेरी जान मिटा दे मुझको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस नदी के दो किनारे हैं, लेकिन जहां तक जाकर हम लौट आते हैं बार बार, शायद वही तो है इस नदी का तीसरा किनारा। वाह वाह, बहुत अच्छे। और कुछ शेर हैं, सुना है ये जहां अच्छा था पहले, सुना है ये जहां अच्छा था पहले, जहां अब रेत है दरिया था पहले। बहुत अच्छे। उससे मिलने का असर कम हो गया, सोच कर ही होश उड़ जाता था पहले। पलट कर कौन आता इस जहां में,
किसे दुनिया का अंदाजा था पहले। क्या बात है, बहुत अच्छे। बड़ी तस्वीर लटका दी है अपनी, बड़ी तस्वीर लटका दी है अपनी, जहां छोटा सा आईना था पहले। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किया इजाद, आखिरी शेर है, किया इजाद जिसने भी खुदा का, या इजाद जिसने भी खुदा का, वो खुद को कैसे बहलाता था पहले। बहलाता था खुद को। एक छंद है, हमारी बात पूरी है, हमारी बात पूरी है, मगर मतलब अधूरा है। वाह वाह, हमारी बात पूरी है मगर मतलब अधूरा है, जरा सा तुम समझते हो, जरा सा मैं समझता हूँ। क्या बात है, वाह वाह, हमारे दोस्त आने का, हमारे दोस्त आने का मरम क्या है, धर्म क्या है, हमारे दोस्त आने का मरम क्या है, धर्म क्या, क्या? तुम अपनी राह चलते हो, हम अपनी राह चलते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे, बात है, क्या बात है, वाह। वो दुआओं में क्या मांग लेगा, वो दुआओं में क्या मांग लेगा, अगर खुद नहीं जानता, खुद नहीं जानता दिल को क्या चाहिए। क्या बात, दुआओं में क्या मांग लेगा, नहीं जानता कि क्या चाहिए, वाह। गैर क्या, बोझ खुद का संभलता नहीं, गैर क्या, बोझ खुद का संभलता नहीं, और कहता है उसको खुदा चाहिए। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। आकाश पर कहीं कहीं कुछ सितारे वगैरह बिखरे हैं, आकाश पर कहीं कहीं कुछ सितारे वगैरह बिखरे हैं, और कहीं कुछ भी नहीं। ये न कुछ होना भी जरूरी लगता है कुछ होने के लिए। और शब्दों का जाल फेंका तो है चेतना की झील में, शब्दों का जाल फेंका तो है चेतना की झील में, चेतना की झील में, देखें कब उलझती हैं, सोच की लहरों से बचकर एहसास की मछलियां। कुछ शब्द उतरे हैं मन की सीढ़ियों से, शब्द उतरे हैं मन की सीढ़ियों से, लिए हुए तस्वीर उस कविता की जो अभी तक सोई पड़ी है ऊपर वाले कमरे में मेरे साथ। वाह, बहुत अच्छा, बात है, क्या करना है भाई, वाह। मैंने नजर टिकाई थी बस जरा देर तक आसमान पर, मैंने नजर टिकाई थी बस जरा देर तक आसमान पर, कहते हैं कुछ लोग मेरा कद पहले से ऊंचा लगता है। वाह, आसमान जो देखा, वाह वाह, बहुत अच्छा। हम हैं दो, हम हैं दो, हम हैं दो, हमारी मंजिलें तीन, एक मेरी, एक तुम्हारी और एक हमारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। अपने अकेलेपन में भी कितने जुड़े हुए हो मुझसे, अकेलेपन में भी कितने जुड़े हुए तुम्हारे अकेलेपन के लिए चाहिए मेरा अकेलापन। बहुत खूब। सोच अपेक्षा और तर्क की धरती पर जीने वालों को,
सोच अपेक्षा और तर्क की धरती पर जीने वालों को गिरने और बिखरने का विस्तार कहाँ मिलता है? क्या बात है, क्या बात है, सोच अपेक्षा और गिरने और बिखरने का विस्तार कहाँ मिलता है? ना। ये पांच उंगलियां करती हैं इशारा, ये पांच उंगलियां करती हैं इशारा अलग अलग दिशाओं में। खूब नचाया है इन इशारों ने, चलो अब ठहरते हैं, मुट्ठियां बंद करते हैं। वाह, बहुत अच्छे, क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में ना जा सके। ओके, गुरुवर कहते थे सारा संसार नश्वर है, सब टूटते हैं समय अनुकूल, दीवारें इमारतें पत्थर धरती पर्वत मनुष्य और उसकी मान्यताएं भी। वाह, गुरुवर कहते थे सारा संसार नश्वर है, दीवारें इमारतें पर्वत धरती मनुष्य और उसकी मान्यताएं भी, फिर ये हवा क्यों नहीं टूटती, क्यों नहीं टूटता अस्तित्व का तारतम्य, तारतम्य की स्मृति और स्मृति का बोझ। अच्छा है, क्या बात, क्या बात, वाह। अच्छा, दो एक अभी समय है, दो तीन मिनट बचा हुआ मेरे पास। नथिंग न्यू, जल्दी जल्दी पढ़ो। नहीं, जल्दी जल्दी मतलब कोई इश्क है न सुरूर है, कोई इश्क है न सुरूर है, कोई काम उनसे जरूर है। कोई इश्क है न सुरूर है, कोई काम उनसे, काम उनसे जरूर है। वो नजर झुकी तो पता चला ये विनम्रता का गुरूर है। विनम्रता, व्हाट अ कंट्रास्ट, विनम्रता का गुरूर है। जहाँ फासले वहाँ दूरियां, फासले दूरियां वहां रास्ता भी जरूर है। ये अच्छा है। बस उम्र बढ़ती चली गई, बस उम्र बढ़ती चली गई, अब जीने को मजबूर है। मेरे चाहते मेरे पास हैं, वो जो चाहिए बड़ी दूर है, बड़ी दूर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब यहीं रुकते हैं, और मौका मिलेगा एक दो मिनट तो एक गीत मैंने लिखा है वो सुनाऊंगा, तरन्नुम बा तरन्नुम, बाद में, या कहिए तो अभी निपटा लूं। अभी निपटा लूं। आस्था जी क्या कहती हैं? अनूप जी और वंदना जो हैं वो बताएंगे, क्योंकि वो कतार में हैं। नहीं 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 नहीं, मेरी तो, मेरी तरफ से तो पूरा स्वागत है धनंजय जी का। चलिए, आप लोगों की कृपा है। वैसे अनूप तुम नहीं भी कहते तो धनंजय वही करता जो कर रहा है। ये मैं बता दूं। स्वागत है धनंजय जी। देखिए, पुराने मित्रों से कुछ ना कुछ तो नाजायज फायदा कभी कभी आग्रह कर लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप नहीं करते थे अब बात हो जाता। वही वही तो हम लोग इसको उल्टा जानते। असल में ये गीत जो है इसका श्रेय मैं अपने बड़े चाचा जी को देता हूँ। जब उनके साथ में रहता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट था, तो हमेशा किसी न किसी कवि का कोई गीत गुनगुनाते रहते थे हमेशा, और नहाते समय और जोर से गुनगुनाते थे। ठंडा लगता है। हाँ, तो एक गीत का की धुन मेरे मन में बसी हुई है, उसके शब्द और उसके जो कवि हैं लेखक उनका मुझे याद नहीं है,
लेकिन वो धुन सुबह से मन में, तुम गीत ही सुना दो भैया। नहीं तो मैं धुन पे मैंने वो गीत लिखा है। न खो सका न पा सका, यूं बीच में खड़ा रहा, उम्मीद से जुड़ा रहा, पड़ाव पर टिका रहा, ख्याल झूमता रहा, जबान तो दबी रही, न जोश में बयार था, न होश में गुबार था, न तुम कगार पर मिले, न मैं कतार में रहा, उम्मीद से जुड़ा रहा, पड़ाव पर टिका रहा, तालाब थम गया कहीं, नदी उफान में रही, ये बारिशें भिगो गईं, वो आंधियां डरा गईं, न घर से मैं निकल पड़ा, न खुद को रोक ही सका, बस एक ही दिशा मिली, किसी भी राह पर चला, न खो सका न पा सका, मैं बीच में खड़ा रहा, न कट सकी न बच सकी, थमी थमी सी जिंदगी, न कट सकी न बच सकी, थमी थमी सी जिंदगी, न तुम गुहार सुन सके, न मैं पुकारता रहा, न खो सका न पा सका, यूं बीच में खड़ा रहा, ये मन टटोलता रहा, विचार तौलता रहा, न तुम मुझे बदल सके, न मैं तुम्हें बदल सका, उम्मीद से जुड़ा रहा, पड़ाव पर टिका रहा। आखिरी चंद है, न शब्द में मुखर हुई, न गीत में उतर सकी, न शब्द में मुखर हुई, न गीत में उतर सकी, वो चेतना की छाँव में मुझे पुकारती रही, प्रकाश था न दृश्य था, न चाह का प्रवाह था, विचार स्तब्ध हो गया, न तुम रहे न मैं रहा। अच्छी थी लेकिन खंड क्या होता है क्या? वाह क्या बात है, बहुत अच्छे बात को। अब मेरी तस्वीर छोटी करिए, किसी और की बड़ी करिए मेरे सामने। बहुत अच्छी कविताएं, बहुत बढ़िया। हर बार की तरह जैसे धनंजय जी सुनाते हैं कि किसी क्या कहते हैं उसे, जैसे हम कभी कभी छायावाद में चले जाते हैं, उनकी कविताएं मुझे हमेशा ऐसी लगती हैं, कुछ बिंब आते हैं फिर एकदम से छुप जाते हैं, कुछ एकदम विपरीत चीजों को वो एक साथ ले आते हैं और बहुत मजा आता है। इसको मैंने नया नाम दिया है आस्था, जिसको मैं कहता हूँ काव्य योग। काव्य योग, चलिए तो ये योगाचार्य पूरन मासी के चंदा को ग्रहण कभी कभी लग जाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि सब एक दूसरे के खूब पुराने मित्र हैं, इसीलिए छेड़छाड़ भी चल रही है साथ में हमारे बीच। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे बुलाया जाता था कि युवा कवित्री, और धनंजय जी हमेशा कहते थे कब तक युवा रहेंगी। तो वंदना सिंह ने आकर वो वाला पद मुझसे छीन लिया, पर मैं बहुत अच्छा लगता था कि कोई उसको मुझसे पहले बुलाता था, नहीं तो हमेशा मुझे सबसे पहले बुलाया जाता था। पर वंदना की जब आप कविताएं सुनेंगे, ज्यादातर लोग जो हमारे एरिया के हैं वो वंदना को जानते हैं, पर अनूप जी और रजनी जी जैसे न्यू जर्सी के हैं, उन्होंने शायद वंदना, हमने भी नहीं सुना, हम भी पहली बार सुनेंगे। नहीं आप भूल गई हैं, आपने वंदना को सुना, आपने पहली वंदना सुनी थी। अच्छा वंदना, हमने तुमको होली वाले दिन सुना था।
जी हाँ जी आपने पहले अच्छा अच्छा अब याद आ गया देखा पहली बार मैंने वहाँ कविता पढ़ी हाँ 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 वो होली वाली कविता मैं उस दिन सुना था बेटा उम्र का तक आ जाए अरे यार कैसे बताया हमने कि होली वाले दिन सुना था कह रही उम्र कहता कहता नहीं तो वंदना की जो कविताएं हैं उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सबसे युवा कवियत्री हैं या उम्र में छोटी हैं बहुत परिपक्व लिखती हैं बहुत गहरा लिखती हैं और कई बार जो इनकी नारी सोच वाली कविताएं होती हैं एक इनकी कविता थी जो इन्होंने उसके बाद लिखी थी जो दिल्ली में तो उसमें मैंने महसूस किया था कि ये माइक पे बस अपना किसी तरह से रोना रोक पा रही थी इतनी भाव भी होके ये कविताएं सुनाती हैं और हमारे लिए सबके लिए जो इसी एरिया के हैं जो इन्हें जानते हैं उन सबके लिए बहुत हर्ष की बात है कि हम इन्हें पहली बार इनके शादी के बाद आज देख रहे हैं तो वंदना जी आपको विवाह की भी बहुत सारी बधाई और ऐसे नहीं बधाई होती वो मिठाई आनी चाहिए मिठाई आएगी पैर छुए जाएंगे फिर बधाई मिलेगी नहीं माओं के पैर नहीं छूती है लड़की अच्छा हाँ नहीं उसमें तो सास बन जाएंगे ना नहीं मैं पार्टी नहीं बदलने दूंगी आपको रेखा मुंह दिखाई भी देनी पड़ेगी हाँ हाँ देंगे ना पहले मिठाई तो आए नहीं पार्टी जरूर करेंगे अरे मीठी मीठी एक शब्द मैं कह दूं जी जी वंदना को देखते ही मुझे लग गया था किसकी शादी हो गई इसकी शादी हुई है अच्छा ये कैसे लग गया था हम नहीं जानते पर नहीं चेहरा सुंदर हो जाता है इसमें क्या बात है नहीं वो जो शादी हो गई थी एक रौनक सी आती है ना अलग सजे धजे मतलब ये नहीं ये सब लगाया फलाना ढिमाका क्योंकि मैं और कई शादीशुदा लोगों को देख रहा हूँ स्क्रीन पर इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छा चलिए तो हम इसी के साथ हमारी अगली कवियत्री वंदना सिंह अगर वंदना आपने अपना नाम बदल लिया है शादी के बाद तो हमें बता दीजिए अपना नया नाम हम तो नहीं नाम मेरा वही है चलिए हम वंदना सिंह के नाम से ही जानते हैं आपको और हमेशा जानते रहेंगे तो वंदना आपका बहुत बहुत स्वागत है आइए अपनी कविताएं हम सबको सुनाएं बहुत बहुत धन्यवाद दी आप सभी को नमस्ते इतने दिन के बाद देख के अच्छा लग रहा है कि घर वापसी हो रही है चलिए मैं सुना देती हूँ अभी धनंजय जी एक कविता जो सुना रहे थे उसमें उन्होंने असर कम हो गया एक जो हर चीज का कभी कभी असर खत्म हो ही जाता है तो उसमें मुझे एक अपनी गजल याद आ गई तो नहीं वो पहली है अभी शादी के बाद कुछ लिखा नहीं गया है तो पहले पहल ही दिल दुखता है जब चीज कोई खो जाती है पहले पहल ही दिल दुखता है जब चीज कोई खो जाती है फिर हमको खोते रहने की एक आदत सी हो जाती है पहले पहल ही दिल दुखता है जब चीज कोई खो जाती है फिर हमको खोते रहने की एक आदत सी हो जाती है पानी में फेंका न करो अपनी किसी इबादत को पानी में फेंका न करो अपनी किसी इबादत को पहले सिक्के खोते हैं फिर दुआ खो जाती है बहुत अच्छा पहले सिक्के खोते हैं फिर दुआ खो जाती है कितनी देर ठहर सकेगी पलकों पर ये पीर पुरानी कितनी देर ठहर सकेगी पलकों पर ये पीर पुरानी आंखों को मलते ही दिल में टीस नहीं उगाती है आंखों को मलते ही दिल में टीस नहीं उगाती है अपनी समझ पतवारे जिंदगी हम गुमा में रहते हैं अपनी समझ पतवारे जिंदगी हम गुमा में रहते हैं जाना हमको वहीं जहां लहर हमें ले जाती है क्या बात अच्छा थैंक यू जाना हमको वहीं जहां लहर हमें ले जाती है कौन सुने सांसों की सरगम दिल की ताल पहचाने कौन कौन सुने सांसों की सरगम दिल की ताल पहचाने कौन कदम ताल का नाम जिंदगी सो ये चलती जाती है
सो ये चलती जाती है, पहले पहल ही दिल दुखता है जब चीज कोई खो जाती है, फिर हमको खोते रहने की एक आदत सी हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। एक दूसरी गजल कि थक जाएंगे तो यहीं लौट कर आएंगे, थक जाएंगे तो यहीं लौट कर आएंगे, हम खुद से बाहर कहाँ तक जाएंगे। क्या बात है, थक जाएंगे तो यहीं लौट कर आएंगे, हम खुद से बाहर कहाँ तक जाएंगे, झंझोड़ कर जगा दे इस ख्वाब से कोई, झंझोड़ कर जगा दे इस ख्वाब से कोई, वरना उम्मीदों के पर निकल आएंगे, वरना उम्मीदों के पर निकल आएंगे। क्या बात है, कोई कोई तस्लीम बाकी हो दरमियां अपने, कोई तस्लीम बाकी हो दरमियां अपने, इतना अगर घुटेंगे तो मर ही जाएंगे, इतना अगर घुटेंगे तो मर ही जाएंगे, थक जाएंगे तो यहीं लौट कर आएंगे, हम खुद से बाहर कहां तक जाएंगे। अच्छे वंदना। एक कविता जिसका शीर्षक है दरवाजे और खिड़कियां। ये मुझे बहुत पसंद है, तो थैंक यू वंदना। वैसे मैं तुमसे कहने वाली थी कि वो जरूर सुनाना। दरवाजे प्रैक्टिकल होते हैं और खिड़कियां भावुक, दरवाजे प्रैक्टिकल होते हैं और खिड़कियां भावुक, दरवाजे सिर्फ समझते हैं सांकल की बोली कदमों की आहटें, दरवाजे सिर्फ समझते हैं सांकल की बोली कदमों की आहटें, खिड़कियां पहचानती हैं दबे पांव पुरवाई का चुपके से अंदर आ जाना। वाह वाह वाह, खिड़कियां पहचानती हैं दबे पांव पुरवाई का चुपके से अंदर आ जाना, सवेरे की किरणों का भीतर तक उतर जाना, परिंदों का राग मौसमों का वैराग, बादल की आवारगी बूंदों की सिसकियां, घटते बढ़ते चांद की लंबी छोटी रातें, चांदनी के सजदे या टूट जाना किसी तारे का, खिड़कियां सब जान जाती हैं। परिंदों का राग मौसमों का वैराग, बादल की आवारगी बूंदों की सिसकियां, घटते बढ़ते चांद की लंबी छोटी रातें, चांदनी के सजदे या टूट जाना किसी तारे का, खिड़कियां सब जान जाती हैं। दरवाजे होते हैं सख्त मजबूत नींबू मिर्ची से सजे धजे अखड़ किसी दरबान जैसे, दरवाजे होते हैं सख्त मजबूत नींबू मिर्ची से सजे धजे अखड़ किसी दरबान जैसे, खिड़कियां होती हैं अलहड़ नादान और सहज, उन पर नहीं लिखना पड़ता स्वागतम, उन पर नहीं लिखना पड़ता स्वागतम। ब्यूटीफुल, वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, नो वंडर शी सेड दैट, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। एक कविता इससे पहले मैं कुछ गजल सुना देती हूँ एक और, कि धूप और साए डरते डरते सूरज को यूं समझाते हैं, धूप और साए डरते डरते सूरज को यूं समझाते हैं, थक गए ठंडी रेत पे चलकर सांझ हुई अब घर जाते हैं, थक गए ठंडी रेत पे चलकर सांझ हुई अब घर जाते हैं, सूखी डाल पे बैठा पंछी हैरानी से देख रहा है, सूखी डाल पे बैठा पंछी हैरानी से देख रहा है, पतझर की ये चूनर ओढ़े उड़ते पाद किधर जाते हैं। क्या बात, पतझर की ये चूनर ओढ़े उड़ते पाद किधर जाते हैं, क्या पाया लम्हों ने बोकर आंखों के पानी में ख्वाब, क्या पाया लम्हों ने बोकर आंखों के पानी में ख्वाब, मालूम न था रेतीले रस्ते नींदों में भी भर जाते हैं, मालूम न था रेतीले रस्ते नींदों में भी भर जाते हैं, खुद से जो कभी मिला न हो, खुद से जो कभी मिला न हो उसको क्या समझाओगे, देख आईना अक्सर लोग खुद से भी क्यों डर जाते हैं, देख आईना अक्सर लोग खुद से भी क्यों डर जाते हैं, धूप और साए डरते डरते सूरज को यूं समझाते हैं, थक गए ठंडी रेत पे चलकर सांझ हुई अब घर जाते हैं। वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह।
आस्था दी मुझे वक्त का बता दीजिएगा प्लीज। अब तुम इतने दिनों बाद सबसे मिली हो तो एक और कविता तो बनती है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। तुम्हें सब दिख नहीं रहे हैं पर मैं सबके चेहरे देख रही हूँ, सब बहुत मुग्ध होके तुम्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सब बहुत खुश हो रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। एक कविता जो जिसका शीर्षक है आम लड़की। ना मैं रुक्मणी थी न पार्वती, न भरोसा चुन सकती थी न तपस्या। राधा हो जाने की सारी इच्छाओं को मारकर जैसे चुनती है कोई लड़की, स्वयंवर की बिसात पर सीता हो जाना ठीक वैसे ही मैंने भी चुना। मगर मेरा अहम न स्वीकार सका परीक्षाएं और उनसे हार जाना तो बिल्कुल भी नहीं। मगर मेरा अहम न स्वीकार सका परीक्षाएं और उनसे हार जाना तो बिल्कुल भी नहीं। हर रस्म हर रिवाजों से बगावत कर मैंने आसान समझा था मीरा हो जाना। हर रस्म हर रिवाजों से बगावत कर मैंने आसान समझा था मीरा हो जाना। मगर मेरे पास नहीं था वो यकीन जो जहर के प्यालों को अमृत करता। मगर मेरे पास नहीं था वो यकीन जो जहर के प्यालों को अमृत करता। हर तह हर विकल्प को हार कर मैं बची हूँ वही एक आम लड़की जिसके हिस्से में दो राहें नहीं होते, वह खुद को सिर्फ और सिर्फ एक औरत साबित कर पाने तक ही समर्पित है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छा लगा वंदना तुम्हें सुनकर और देखकर इतने दिनों बाद। थैंक यू जी। और देखिए आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आपको रेखा मैत्रा, नरेंद्र टंडन, रंजना टंडन, विशाखा ठाकर, राकेश खंडेलवाल जी, सुकेश जी, शशि पाधा जी, विजय नांगिया जी को मैं नहीं जानती पर ये अनूप जी के मित्र हैं शायद, प्रीति गोविंदराज जी, मधु महेश्वरी जी, गुलशन मधुर जी, सुमन वरदान जी आपका स्वागत है, मंजू श्रीवास्तव जी और विनीता तिवारी, गिरीश सिंह जी और साथ में मनीष जी भी आए थे, सब आपको सुन रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। मैं आशा जी, एक आशा जी आईफोन है, उनका भी स्वागत है, ममता त्रिपाठी जी का भी। मैं इन सब के नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक तो ये हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमारी ये जो हर महीने की चार कवि की गोष्ठी होती है उसमें आते हैं और साथ में सभी लोग खुद भी बहुत अच्छे कवि कवियत्रियां हैं पर बिना सुनाने की चाह रखते हुए सिर्फ सुनने आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं वंदना के बाद आमंत्रित करूंगी हमारे आज के आखिरी कवि, जो किसी भी कतार में आखिरी नहीं है, वो हर कतार में सर्वप्रथम है। अगर किसी को भी अमेरिका में हिंदी के बारे में कुछ जानना है, कविता कैसे लिखनी है ये जानना है, अपनी कविता प्रकाशित करानी है ये जानना है, हिंदी पढ़नी है नहीं पढ़नी है, जो भी करना है आप अनूप भार्गव जी के पास जाइए और हर समस्याओं के समाधान वो आपको देंगे और बहुत ही प्यार से देंगे, हर किसी को बढ़ावा देंगे। और अनूप जी वैसे तो इंजीनियर हैं पेशे से, इनका एक परिचय आया था जो बहुत अच्छा था, मैं उसमें से कुछ बातें आपको बताती हूँ कि ये 83 से अमेरिका में हैं और इन्होंने ई कविता ई चिंतन जैसे समूहों के ये संस्थापक हैं, साथ ही विदेश प्रसार सम्मान इनको मिल चुका है और 2014 से इनकी एक संस्था है झिलमिल, जो सिर्फ हिंदी के ही नहीं पर हर तरह के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन करती है और उस संस्था के कुछ सम्मेलनों में मुझे भी जाने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। साथ ही में अभी 2020 में इन्होंने बहुत बड़े विश्वरंग, मुझे नाम शायद मैंने ठीक नहीं लिखा है, पर विश्वरंग का आयोजन भी इन्होंने कराया जिसमें यूएसए से यही उसके कर्ता धर्ता रहे।
साथ में ये कविता भी लिखते हैं और हर तरह की चाहे भारतीय संगीत हो, नाटक हो या नृत्य हो, सबकी जानकारी रखते हैं, हर किसी विषय पर आपसे बात कर सकते हैं। और जैसे कि मैं रजनी जी के लिए कह रही थी और वो मुस्कुरा रहे थे, अब रजनी जी मुस्कुरा रही हैं, तो ये तिरछी मुस्कान जो पति पत्नी की है ये मैं नहीं जानती क्यों है, पर अनूप जी को जैसे रजनी जी हमेशा ही सधे हुए सर में बात करती हैं, वैसे अनूप जी को मैंने कभी भी कितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, कुछ मीटिंग्स में भी मैंने इनको देखा है, कभी भी भोए चढ़ाते हुए या झल्लाते हुए नहीं पाया। तो जो भी है, शायद ये न्यू जर्सी में इनके घर का प्रभाव है या जो भी ये दोनों करते हैं, कुछ है जो इन्होंने बहुत ही आराम से सबको वो अपनी पॉजिटिविटी देते हैं। तो अनूप जी, मैं आपको बुलाती हूँ आपकी कविताओं के साथ। मैं म्यूट कर रही हूँ जी। धन्यवाद आस्था इतने लंबे परिचय के लिए। तो चलो मैं भी जरा अपना परिचय खुद देता हूँ कविता के माध्यम से। एक छोटी सी, बहुत पहले मैंने कॉलेज के दिनों में लिखी थी, लेकिन अभी भी मैं उस पर विश्वास करता हूँ। तो अर्ज किया है कि न तो साहित्य का बड़ा ज्ञाता हूँ, नहीं कविता की भाषा को जानता हूँ। कि न तो साहित्य का बड़ा ज्ञाता हूँ, नहीं कविता की भाषा को जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कवि हूँ, क्योंकि जिंदगी के चंद भोगे हुए तथ्यों और सुखद अनुभूतियों को बिना तोड़े मरोड़े ज्यों की त्यों कह देना भर जानता हूँ। एक रुबाई मुझे याद आ रही है, धनंजय भाई ने सुनाई थी, उसी काफिया में देख लीजिए। तो अर्ज किया है कि तुमको देखा तो चेहरे पे नूर आ गया, तुमको देखा तो चेहरे पे नूर आ गया, हौले हौले जरा सा सुरूर आ गया, और तुम जो बाहों में आई लजाते हुए, तुम जो बाहों में आई लजाते हुए, हमको खुद पे जरा सा गुरूर आ गया, तुमको देखा तो चेहरे पे नूर आ गया, बोले जरा सा सुरूर आ गया। मैं सोच रहा हूँ आज कुछ ऐसी कविताएं सुनाई जाएं जो मैं अक्सर नहीं सुनाता हूँ, तो आशा है आपको पसंद आएंगी। तो पहली कविता है, शीर्षक है आशंका। कि मैं हर रोज बचपन से पलित विश्वासों को क्षण भर में कांच के गिलास की तरह टूट कर बिखरते देखता हूं। मैं हर रोज बचपन से पलित विश्वासों को क्षण भर में कांच के गिलास की तरह टूट कर बिखरते देखता हूं। सुना है जीने के लिए कुछ मूल्यों और विश्वासों का होना जरूरी है। वाह वाह। सुना है जीने के लिए कुछ मूल्यों और विश्वासों का होना जरूरी है, इसलिए मैं एक बार फिर से लग जाता हूँ नए मूल्यों और विश्वासों को जन्म देने में, ये जानते हुए भी कि इन्हें कल फिर टूटना है। क्या बात। ये जानते हुए भी कि इन्हें कल फिर टूटना है, ये सब तब तक तो ठीक है जब तक मेरा स्वयं अपने आप में विश्वास कायम है। ये सब तब तक तो ठीक है जब तक मेरा स्वयं अपने आप में विश्वास कायम है, लेकिन डरता हूं उस दिन की कल्पना मात्र से जब टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में मैं एक दिन स्वयं अपने आप में विश्वास खो बैठूंगा। अपने आप में विश्वास खो बैठूंगा। वाह वाह, क्या बात है। एक कविता है एहसास। कि तुम समंदर का एक किनारा हो, मैं हर रोज एक प्यासी लहर की तरह तुम्हें चूमने के लिए उठता हूं।
तुम समंदर का एक किनारा हो, मैं हर बार प्यासी लहर की तरह तुम्हें चूमने के लिए उठता हूं, तुम तो चट्टान की तरह वैसी ही खड़ी रहती हो, तुम तो चट्टान की तरह वैसी ही खड़ी रहती हो, मैं ही हर बार तुम्हें बस छू के लौट जाता हूँ, मैं ही हर बार तुम्हें बस छू के लौट जाता हूँ। क्या बात, धन्यवाद धन्यवाद। दो कविताएं देखिए, कुछ मैंने बहुत पहले लिखी थी तो इसमें जरा हिसाब किताब की बात है दोनों में। तो पहली है, छोटी दो दो पंक्तियों की कविता है कि जिंदगी में हिसाब कैसा, जिंदगी में हिसाब कैसा, उसने क्या पाया हमने क्या खोया था, जिंदगी में हिसाब कैसा उसने क्या पाया हमने क्या खोया था, मैं उससे बेवफाई की वजह पूछता कैसे, वो भी मेरे साथ गले लग के रोया था। बेवफाई की वजह पूछता कैसे, वो भी मेरे साथ गले लग के रोया था। क्या बात। और कब तक मन में छुपाए रखते, इजहार तो करना ही था, कब तक मन में छुपाए रखते इजहार तो करना ही था, और बात उसूलों पर आ गई थी इनकार तो करना ही था। और कि कब तक मन में छुपाए रखते इजहार तो करना ही था, बात उसूलों पर आ गई थी इनकार तो करना ही था, और हम कब तक नफे और नुकसान के बारे में सोचते, हम कब तक नफे और नुकसान के बारे में सोचते, वो आने को कह गई थी इंतजार तो करना ही था। क्या बात है, वाह 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 वाह। कुछ मुक्तक है, शीर्षक सबका है तुम, तो इसमें कुछ आप देखिएगा कैसे बन पड़े हैं, इसमें कुछ आपको विरोधाभास दिखाई देगा हर दो पंक्तियों में, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिंदगी भी कुछ इसी तरह की होती है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। कुछ कि तृप्ति का एहसास तुम हो, तृप्ति का एहसास तुम हो, बिन बुझी सी प्यास तुम हो, तृप्ति का एहसास तुम हो, बिन बुझी सी प्यास तुम हो, मौत से अब डर नहीं है जिंदगी की आस तुम हो, कि प्रणय की प्रेरणा तुम हो, प्रणय की प्रेरणा तुम हो, विरह की वेदना तुम हो, निगाहों में तुम ही तुम हो, समय की चेतना तुम हो, समय की चेतना तुम हो, और सपनों का अध्याय तुम ही हो, फूलों का पर्याय तुम ही हो, सपनों का अध्याय तुम ही हो, फूलों का पर्याय तुम ही हो, एक पंक्ति में अगर कहूं तो जीवन का अभिप्राय तुम ही हो, धन्यवाद। कि सुख दुख की हर आशा तुम हो, सुख दुख की हर आशा तुम हो, चुंबन की अभिलाषा तुम हो, मौत के आगे जाने क्या हो, जीवन की परिभाषा तुम हो। आवाज म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। ओके हो गए, हो गए, हो गए। तो एक छोटी छोटी सी कविताएं हैं दो दो पंक्तियों की। तो पहली देखिए, एक शेर कि छुआ था मुद्दतों पहले मुझे तुमने इशारे से। देखिए कोमलता, देखिए कि पहली बात तो छुआ था वो भी मुद्दतों पहले और वो भी इशारे से, इशारे से। क्या बात। और उसका असर देखिए कि छुआ था मुद्दतों पहले मुझे तुमने इशारे से, बदन में आज तक खुशबू तुम्हारी जाफरानी है।
तुम्हारी जाफरानी है। और दो दोहे देखिए कि आंखों से तुम, मैंने श्रृंगार के दोहे लिखने की कोशिश की है जो अक्सर कम लिखे जाते हैं, कि आंखों से तुमने कही मन ने सुन ली बात, आंखों से तूने कही मन ने सुन ली बात, वक्त वहीं पर रुक गया भोर हुई ना रात। वाह कही मन ने सुन ली बात, समय वहीं पर थम गया भोर हुई ना रात, और आंखों ने उनकी किया एक मीठा मनुहार, आंखों ने उनकी किया एक मीठा मनुहार, और साधारण सा दिन मुझे आज लगे त्योहार। वाह क्या बात है, आज त्योहार। और दो पंक्तियां देखिए कि चांद पागल हो जाता है धरती इछलाती है, चांद पागल हो जाता है धरती इछलाती है, पूरी सृष्टि की नजर बस वहीं ठहर जाती है, चांद पागल हो जाता है धरती इछलाती है, पूरी सृष्टि की नजर बस वहीं ठहर जाती है, बेसुध सी वो क्या इस बात को समझ पाती है। चांद पागल हो जाता है धरती इछलाती है, पूरी सृष्टि की नजर बस वहीं ठहर जाती है, बेसुध सी वो क्या इस बात को समझ पाती है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और एक आध मैं शेर सुनाने की इजाजत चाहूंगा। कि द्वार की नहीं, ये छोड़िए, कि ये मेरी देह महकी आज चंदन सी अचानक क्यों, ये मेरी देह महकी आज चंदन सी अचानक क्यों, तुम्हारी सांस चुपके से बदन को छू गई होगी, और हुए हैं ख्वाब क्यों मेरे अचानक और भी मीठे, हुए हैं ख्वाब क्यों मेरे अचानक और भी मीठे, तुम्हारी नींद पलकों में मेरे आ सो गई होगी, तुम्हारी नींद पलकों में मेरे आ सो गई होगी, और कल रात एक अनहोनी बात हो गई, कल रात एक अनहोनी बात हो गई, मैं तो जागता रहा खुद रात सो गई। क्या बात है। एक कविता देखिए कि जब शब्द अधिक महत्वपूर्ण होने लगे और भावनाएं गौण, जब शब्द अधिक महत्वपूर्ण होने लगे और भावनाएं गौण, तब कोलाहल में भी गूंजने लगता है मौन। जब भावनाएं, जब शब्द अधिक महत्वपूर्ण होने लगे और भावनाएं गौण, कोलाहल में भी गूंजने लगता है मौन, ऐसे में शब्दों के अर्थ बदल देना ही उचित है। ऐसे शब्दों के अर्थ बदल देना ही उचित है। आस्था खत्म हो गया हमारा समय? नहीं नहीं, आपका समय कभी नहीं खत्म होगा, हम सबका समय अभी चलता रहेगा। पर बहुत अच्छा लगा आपकी कविताएं सुन के, अगर आप कुछ एक दो और सुनाना चाहते हैं तो आप सुना सुना दीजिए। चलिए, आखिरी होने का यही फायदा होता है, हमने 7:15 बजे शुरू किया था, अभी 7:20 हुए हैं, तो
भारतीयों के हिसाब से हम अभी भी समय पर ही हैं। चलिए दो, हाँ दो शेर जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लिखे थे जी, देखिएगा। तो अर्ज किया है कि मैं उनके साये में खुश तो बहुत हूं, मैं उनके साये में खुश तो बहुत हूं, लेकिन ये भी दर्ज हो, नोट किया जाए कि मैं उनके साये में खुश तो बहुत हूं, लेकिन ये भी दर्ज हो कि वो मेरे हिस्से की धूप लिए बैठे हैं। धन्यवाद। एक और देखिए कि मैं कब तक उसे गौर से सुनता, मैं कब तक उसे गौर से सुनता, वो वही बात कह रहा था लहजा बदल बदल के। वाह 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 वाह, वही बात कह रहा था लहजा बदल के। और एक, हाँ मैंने इसमें कुछ एक पुरानी कविता की दो पंक्तियां हैं, उसमें मैंने कुछ इजाफा किया है तो वो सुनाना चाहूंगा कि कब तक, ये मेरी पुरानी पंक्तियां हैं आपने सुनी होगी, कि कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को, कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को, जरा हथेली को खोलो तो सवेरा हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। हथेली को खोलो तो सवेरा हो, और दिन के उजाले में तेरी थाह नहीं पड़ती है, दिन के उजाले में तेरी थाह नहीं पड़ती है, बाहों में अगर आओ तो अंधेरा हो। वाह क्या बात है, सवेरा हो, मुट्ठी को अगर खोलो तो सवेरा हो, बाहों में अगर आओ तो अंधेरा हो। मैं सोच रही थी कि अगले महीने, क्योंकि वैलेंटाइंस डे है और बसंत भी आ रहा है, तो गलती हो गई कि अनूप जी को अभी बुला लिया, अगले महीने की गोष्ठी में बुलाना था। ऐसे ही जब राकेश जी कविताएं सुनाते हैं तो भी ऐसा ही लगता है कि अरे ये तो वैलेंटाइंस स्पेशल है। क्या बात, आप सबको सुनकर बहुत अच्छा लगा। और जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो कवि हैं उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, धनंजय जी, रजनी जी, अनूप जी और वंदना, आप सबका बहुत धन्यवाद। और जितने लोग अभी सुन रहे हैं हमारे श्रोता, मैं 20 लोग हैं, मैं उनका फिर से नाम लेना चाहूंगी, रेखा जी, नरेंद्र जी, रंजना जी, राकेश खंडेलवाल जी, सुकेश जी, विजय नांगिया जी, सुमन वरदान जी, मंजू श्रीवास्तव जी, शशि पाधा जी, प्रीति गोविंदराज जी, गुलशन मधुर जी और मधु महेश्वरी जी, आशा जी, विशाखा ठाकर जी, ममता त्रिपाठी जी, आस्था एक ना ये विनीता तिवारी जी, मनीष में है जी, पॉपी चरनालिया जी, उनको मैं जानती नहीं हूँ। नहीं, वो बहुत अच्छा लिखती है, बहुत अच्छा लिखती है वो। और मुझे एक बात कहनी है अनूप जी से, मैंने वहां लिखा था कि मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैंने आज ये शॉट लगाया है वो कोविड-19 का, लेकिन फिर लगा कि ये हम पहुंच गए हैं, यू नो ट्रैफिक का यू डोंट नो कितना समय लगेगा। सभी का, पॉपी जी का भी, मनीष जी और गिरीश जी भी थे, सबका धन्यवाद। पॉपी बहुत सुंदर लिखती, बहुत सुंदर। मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ और रिकॉर्डिंग के बाद फिर हम थोड़ी सी देर अनौपचारिक बातचीत करेंगे। वैसे तो ये हमारी बातचीत अनौपचारिक ही होती है और हमारे कवियों का आना भी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे हम फरवरी में, कुछ प्रेम संबंधित करेंगे, देखेंगे क्या हो पाता है। अगली बार के हमारे कवि भारत से आ रहे हैं, प्रताप सहगल जी और उनकी पत्नी,
हरीश नवल जी जो मेरे पिता भी हैं और उनकी पत्नी, वो दोनों ही प्रेम विवाह उनका हुआ था और इतने सालों से साथ हैं, इसलिए मैंने सोचा कि 14 फरवरी स्पेशल उन जोड़ों को बुलाया जाएगा। गलती हो गई, अनूप जी और रजनी जी को भी तभी बुलाना चाहिए था, पर फिर बुलाएंगे और फिर से मिलेंगे। एक शेर मेरा है जी, कि हम रस्म नहीं हैं जो एक बार निभा ली तुमने। वाह वाह, हम क्या बात है। हम रस्म नहीं हैं जो एक बार निभा ली तुमने, हमको रिवाजों की तरह बर्ता कीजिए। बहुत अच्छा लगा। तो अभी आप सभी को नमस्कार, मैं रिकॉर्डिंग को बंद करती हूँ और हमारे फेसबुक पे देखने वालों को भी और यूट्यूब वालों को भी हमारी तरफ से नमस्कार। नमस्कार।